इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। थैंक यू भैया। रोशन इसका नहीं, वॉशिंग मशीन। अच्छा ये लो ना, इसका ब्रोशर पकड़ो, इसके ना कस्टमर सर्विस नंबर पे फोन करके किसी को बुला दो, नई वॉशिंग मशीन है, इसे फिट करवानी है। अरे ये क्यों ली तुमने? अभी 6 महीने पहले तो हमने नई वॉशिंग मशीन ली थी ना। ये नया मॉडल है पापा, पता है इसमें ना स्टीम भी है और इसे ना हम फोन से भी चला सकते हैं, चाहे हम घर के किसी भी कोने में बैठे हो। पुष्पा जी, मैं तुम्हें कल ही समझा रहा था ना, खर्चे कम करो, हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो फिर तुमने आज ही ये वॉशिंग मशीन खरीद ली बिना मुझसे पूछे हुए। छोटी बड़ी खरीदारी भी तुमसे पूछ के करनी पड़ेगी क्या? मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकती क्या इस घर में? अरे माँ, अब तुम ही इसे समझाओ, कितनी बार समझा चुका हूँ लेकिन इसके कानों पे तो जूई नहीं रेंगती। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे लेट हो रहा है। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। अरे देखिए ना माँ जी, हर छोटी बात का कितना बड़ा पतंगड़ बना के चले जाते हैं। वॉशिंग मशीन ही तो लिए, राई का पहाड़ बना दिया। बस आने वाला होगा सर। माल आ गया है, कहाँ रखवाना है? सर पे रखे हमने, आज से पहले कहाँ रखवाता था वहीं रखवा देना, ये पूछने वाली बात है, जा रखवा दे। ठीक है सर। संकेत बेटा क्या बात है, पहले तो बहुत हंसमुख रहते थे पर आजकल काफी चिड़चिड़े रहते हो, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं मिश्रा जी, बिजनेस की हालत आप देख ही रहे हैं, किस बिजनेस में उतार चढ़ाव नहीं आते। ये बात मैं समझता हूँ पर पुष्पा ये बात नहीं समझती है। पैसा ऐसे बाकी है जैसे हमारे पास कोई कुबेर का खजाना हो। हर शादीशुदा आदमी को अपनी पत्नी से यही शिकायत होती है, मगर तुम उस पर गुस्सा मत करना, प्यार से समझाना, वो मान जाएगी। आपके साथ भी यही परेशानी हुई है क्या मिश्रा जी? हुई है बेटा, कई बार हुई है, पर मैं अपनी पत्नी को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिला देता था, फिर उसके बाद वो मेरी हर बात खुशी खुशी मान जाती थी। फेवरेट आइसक्रीम, आइडिया तो अच्छा है। आइसक्रीम नहीं खानी है? अरे तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आई हूं, वनीला आइसक्रीम। इसमें तो खर्चा हुआ नहीं होगा, ये तो फ्री में आई होगी। यार देखो कुछ ही दिनों की बात है, एक बार बिजनेस पहले जैसा हो गया ना तो फिर तुम दिल खोल कर खर्चा करना। और ये बिजनेस पहले जैसा कब होगा? यार मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं, तुम तो देख ही रही हो ना, दिन रात लगा हुआ हूँ मैं, बहुत जल्द हो जाएगा। आइसक्रीम तुम्हें बिना मुझे अच्छे से पटाना आता है। मिश्रा जी का आइडिया तो काम कर गया। क्या काम? कुछ अरे माँ आपकी 3 दवाइयां तो खत्म हो गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा रात को इतना थके हारे तुम लेट कर आए थे तो मैंने सोचा कि क्यों तुम्हें परेशान करूं। आप भी ना माँ, और ये देखिए आपको ब्लड टेस्ट और थायराइड टेस्ट भी बोला है डॉक्टर ने, आज शाम में मैं जल्दी आऊंगा, आप तैयार है ना? मैं टेस्ट के लिए लेके जाऊंगा आपको। पुष्पा जी
मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना, ठीक है? संभाल के जाना ठीक है। बहू, मैं भी अंदर कमरे में जाके आ रहा हूँ। ठीक है। हाय पुष्पा। माधुरी, अरे तू यहाँ कैसी है? मैं बहुत बढ़िया, तू कैसी है? एकदम बढ़िया। अरे मैंने क्या बातों में लगा दिया तुझे, आना बैठ, आजा। और बता कैसे चल रहे सब? पता है तुझे, मैं ना अपने कजिन के शादी में जबलपुर गई थी, और सोच वहाँ शादी में क्या हुआ होगा। क्या हुआ? एक मिनट, कहीं किसी शहजादे ने तुझे पसंद तो नहीं कर लिया? एकदम सही तो कमा रहा है तुमने। सच्ची? सच्ची, और शादी भी तय हो गई। क्या बात है, तो कब कर रही है शादी? 10 दिन बाद सब लोग आ रहे हैं, और तुझे भी आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे अरे बिल्कुल, मैं क्यों कोई बहाना मारूंगी, वैसे भी मुझे तो इस दिन का कब से इंतजार था। अच्छा सुनना, मेहंदी वाले दिन हम सब सहेंगे, ब्लू कलर की साड़ी पहन रहे, तू भी ले लेना। ठीक है डन, एक काम करते हैं, कल शॉपिंग पे चलते हैं हम दोनों। चल चलते हैं। आज तो पैसे निकलवा के रहूंगी। पुष्पा बहुत थक गया हूँ यार, जल्दी से खाना लगा दो। जी। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? संकेत, तुमने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो एज यूजुअल। सिर्फ फ्लर्टिंग से काम नहीं चलेगा, मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। ये इतना सारा खाना क्यों बनाया तुमने? कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। दो लोगों के लिए इतना सारा खाना? अब इसमें से कितना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा ना? या फिर सुबह तुम इसको मेरे को दे दो। तुमसे थोड़ा कुछ भी बात करना बेकार। तुम्हें ये दिख रहा है कि मैंने इतना सारा खाना बना दिया है, पर ये नहीं दिख रहा है कि दिन भर मैंने किचन में कितनी मेहनत की है तुम्हारे लिए। तुम हर बात को गलत ही क्यों लेती है? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि दो लोगों के लिए एक सब्जी भी बनाती तो भी काफी था। सिना बहस करना बेकार है, बेकार। माधुरी की शादी है 10 दिन में, मुझे नई साड़ी चाहिए। नई साड़ी चाहिए? हाँ। तुम्हारे पास तो ऑलरेडी कितनी सारी साड़ियाँ और जेवरात हैं ना? सब पुराने हो गए हैं संकेत। कितनों के तो लेबल भी नहीं निकले हैं। संकेत वो सब आउट ऑफ फैशन है, मुझे नई साड़ी चाहिए बस। तुम्हारी इस फिजूल खर्ची के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। शादी क्यों की मुझसे? पहले बता देना चाहिए था ना कि कंगाल हो। मां जी, आप और कुछ लेंगे? अरे नहीं बेटा, बस हो गया मेरा। अच्छा ये बताओ, संकेत कुछ खा कर गया? नहीं, आज फिर बिना नाश्ता करे ही चले गए। मुझे ना अब इनके और नखरे बर्दाश्त नहीं होते। ऐसी बात नहीं करते बेटा, वो तुम्हारा पति है, और किस घर में पति पत्नी के बीच में तू तुम्हें मैं नहीं होती। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन ये बात आप उन्हें भी समझाइए ना। खैर, मुझे मेरी कुछ सहेलियों से मिलने जाना है, मैं शाम तक लौटूंगी। ठीक है, संभाल कर जाना।
कैसी हो माँ? अच्छी हो बेटा, आगे? हाँ। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत अच्छा था। अच्छा। लो पानी पी लो। बेटा संकेत, मैंने आज बहू से बात की, उसे समझाया कि झगड़ा करना ठीक नहीं है। बेटा वो बच्ची है, बचपना है उसमें, तुम थोड़ा बड़ा नहीं बना सकते? उसे प्यार से समझा तो सकते हो ना? माँ उसे बहुत बार समझा चुका हूँ मैं। आपको पता है उसके 3 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल अभी तक चुका रहा हूँ। देखो बेटा, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने ही उसे इतनी छूट दे रखी है, उसको बढ़ावा दिया है। आज अगर तुम उसे एकदम से रोकना चाहोगे तो वो गुस्सा तो करेगी ना। अच्छा तो मतलब मेरी गलती है, मैंने बिगाड़ा उसे? और नहीं तो क्या, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उसे पैसे बचाने के लिए समझा। घर की औरत को घर का हिसाब रखना जरूरी है ना, पर तुम हो कि मानते ही नहीं। ठीक है, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे कब तक आ रही, क्या बोल के गई? कहा था शाम तक आ जाएगी, बस आती ही होगी। एक सेकेंड। जी नीलम साहब, हाँ आप आ जाइए। नहीं, पूरी पेमेंट कर दूंगा मैं, पैसे का इंतजाम हो गया। इतनी सारी शॉपिंग? चलो मत, सिर्फ अपने लिए ही नहीं तुम्हारे लिए भी शॉपिंग की है। रुको, ये देखो तुम्हारे लिए जिम वाले जूते। जिम के जूते? मगर मैं तो जिम कब से जा ही नहीं रहा हूँ। तो इसी बहाने तुम जिम जाना शुरू तो करोगे ना दोबारा? वैसे भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अरे मुझसे पूछ तो लेती ना। अरे तुम चिढ़ क्यों रहे हो? कितने के हैं ये? तोहफे की कीमत नहीं पूछी जाती, तोहफा तो अनमोल होता है ना। मतलब मेरे पैसों से मुझे तोहफा दिया जा रहा है और मुझे कीमत भी पता नहीं चल सकती। कितने के हैं ये? देखिए ना माँ जी, मैं इनका मूड ठीक करने के लिए इनके लिए तोहफा लेकर आई हूँ, और ये तो मेरी भावनाओं के कदर ही नहीं है। हाँ 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 डीलर साहब, आप आ गए क्या? ठीक है, मैं 2 मिनट बाद। माँ जी आइए ना, मैं आपको साड़ियाँ दिखाती हूँ, चलिए। एक दो तीन चार, तो 5 लाख लेकर आया था, ये 1 लाख कम कैसे हो गया? देखिए बाजी, कितनी अच्छी लग रही है ना ये साड़ी। पुष्पा, पुष्पा तुमने अलमारी में से पैसे लिए हैं क्या? हाँ, ज्यादा नहीं, बस कुछ 1 लाख। What? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को हाथ लगाने की? हमारे पैसे? Excuse me? ये हमारे बीच में तुम्हारा मेरा कब से होने लग गया? और एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारा बिजनेस लॉस में जा रहा है? ये 5 लाख जो अंदर रखे थे ये प्रॉफिट की? ए बेवकूफ औरत, ये पैसे मैं अपने दोस्त से उधार लेकर आया था। मैंने अपने डीलर से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, उसे वापस करने थे मुझे, अब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अगर तुम्हारे डीलर की पेमेंट अर्जेंट थी तो मेरी भी तो जरूरत अर्जेंट थी ना। अपनी दोस्त की शादी में क्या भिखारी बन के जाती मैं? तो तुमने 1 लाख रुपए की साड़ियां खरीद ली? इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं कि 1 लाख की साड़ियां उठा कर ले आऊं। तुमने ही कहा था ना कि कम खर्चा करना है, तो ये सारी साड़ियां 30,000 की आई। हाँ तो फिर 70,000 का है? 5,000 के तुम्हारे जूते। ओके, 65,000 रुपए कहाँ है? अभी निकाल। ये 150 रुपए बचे हैं, 64,850 माधुरी को उसकी शादी का गिफ्ट दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम सुधा चंद्रन है और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट।
खर्च करने का सबका अपना अपना नजरिया होता है और प्राथमिकता भी होती है। अगर जरूरत और आय पर हम ध्यान देंगे तो फजूल खर्चों को हम कम कर सकते हैं और यही बचत जरूरत पड़ने पर हमारे काम आ सकती है। संकेत की भी यही सोच थी, लेकिन पुष्पा संकेत की इस सोच को समझने के लिए तैयार नहीं थी। फजूल खर्च करने की उसकी ये लत संकेत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। पैसों की अहमियत हम तभी समझ पाते हैं जब उसकी कमी होती है, लेकिन फजूल खर्च करने की पुष्पा की यह आदत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। अगर परिवार में कोई समस्या हो तो यह परिवार वालों का फर्ज बनता है कि सबसे पहले इन परेशानियों को समझे और फिर एकजुट होकर इन परेशानियों का समाधान ढूंढे। लेकिन पुष्पा संकेत का साथ तभी देती ना जब वो ये समझ पाती कि संकेत की परेशानियां हैं क्या। क्या पुष्पा संकेत की परेशानियों को समझ पाएगी? क्या अपनी इस लत पर वो काबू कर पाएगी? आइए देखते हैं। 6,000 रुपए का गिफ्ट दे दिया। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ डीलर साहब, मैं आपको कल मिलता हूँ। नहीं एक्चुअली एक फैमिली इमरजेंसी आ गई है। नहीं मैं आपके पैसे पूरे कल दे दूंगा पक्का। देखा आप कैसे इसकी वजह से मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। शर्मिंदा तो तूने मुझे कर दिया है। क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे कि तुम बहू पर हाथ उठाए? आपको सिर्फ मेरी गलती दिख रही है और इसने ये कर्जे के पैसे यूं अय्याश में उड़ा के, वो नहीं दिख रहा आपको? इसके जिम्मेदार तुम हो, नहीं तो इसे सर पर चढ़ाया है, उसे छूट दे रखी है ये 2-2, 3-3 क्रेडिट कार्ड देकर। क्या आज तक तूने इसे अपने घर गृहस्थी के बारे में समझाया? नहीं ना, बात कीजिए माँ जी। घर गृहस्थी ना मुझे भी अच्छे से चलानी आती है और बिजनेस में लॉस सबका हुआ है ना, तो ये बात तो सब पे लागू होती है। तो उन सब के खर्चे कैसे चल रहे हैं? और तो और मेरे पिताजी, उनके पे तो बिजनेस में लॉस हुआ था ना, लेकिन वो तो मेरी माँ का आज भी सारा ख्याल रख रहे हैं। अगर इतना ही बुरा लग रहा है हमारे घर में तो वापस क्यों नहीं चली जाती अपने पिताजी के घर पे? चली जाऊंगी, अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे तो चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पास तो एलिमनी देने के भी पैसे नहीं होंगे। पाल नहीं सकते थे तो गरीब घर की लड़की से शादी करनी चाहिए थी ना, मुझ जैसी अमीर पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? इसमें से हल्दी के लिए कौन सी पहनूं यार? हाँ ये पहनूंगी मैं हल्दी के लिए। इसके साथ का मैचिंग बैग ये हिंदी, हाँ ये पहनूंगी। अब इसके साथ का मैचिंग बैग, अरे कितना ओल्ड फैशन हो गया ये। अच्छा सुनो, अब नहीं पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे ना इन 2 साड़ियों के साथ में मैचिंग बैग चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, मुंह मत चढ़ाओ, मैं ऑनलाइन ले लेती हूँ सस्ता वाला। पुष्पा बात सस्ते और महंगे की नहीं है, बात है फिजूल खर्ची की। यार कितने सारे नए बैग तो हैं तुम्हारे पास और इनमें से कई तो खुले भी नहीं। बाहर जाकर देखो, लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। शादी क्यों की जब बीवी पाल नहीं सकते? तो देखो यार, सुबह सुबह तुम्हारे इस बचकाने झगड़े के लिए ना मेरे पास टाइम है और ना एनर्जी। मैं जा रहा हूँ, तुम दीवारों पे चिल्लाती रहो। संकेत तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा कि मैं दीवारों से बात करती रहूं? संकेत मेरी बात तो सुनो। संकेत बहू थोड़े ठंडे दिमाग से तो सोचो, संकेत जो भी कह रहा है सही तो है। देखो जीवन में अमीरी गरीबी धूप छाव की तरह आती जाती रहती है, हमें बस उसी की तरह उसमें अपने आप को ढाल देना चाहिए। तो आप क्यों नहीं ढल जाती?
और इस घर में सारी कुर्बानियों की उम्मीद मुझसे क्यों की जा रही है? पर बहू, मैं कैसे अपने आप को ढाल सकती हूँ? और वैसे कौन से खर्चे करती हूँ मैं? कितनी भोली बन रही है ना आप? अरे आपके खर्चों की लिस्ट तो मेरे खर्चों से भी ज्यादा लंबी है। ये रोज उसकी जो दवाइयाँ आती हैं आपकी, और ये डॉक्टर की फीस, आपके टेस्ट के खर्चे, इन सब के पैसे क्या पेड़ों पे उग रहे हैं? ये क्या बकवास कर रही है तुम? तो? माँ जी, क्या हुआ? बुरा लगा? अगर मैंने आपको आपके खर्चे रोकने के लिए कहा तो आपको मेरी बात चुभी ना? बस ऐसे मुझे भी आपकी और आपके बेटे की बात चुभती है जब आप मुझे मेरी जरूरत के खर्चे करने से रोकते हैं। जरूरत के खर्चे और फिजूल के खर्चों में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता? अरे मेरे हिसाब से तो आपका ये इलाज फिजूल खर्च है। और क्यों जी रही है ये उधार की जिंदगी आप? इन दवाइयों के सहारे ज्यादा से ज्यादा कितने साल जी लेंगी? और एक तो साल मेरी तो अभी लाइफ शुरू हुई है, अभी इंजॉय करने के दिन है। गॉड, सासों का मेलो ड्रामा। खैर, मैं यहाँ क्यों आई थी? माधुरी को फोन कर। हाँ पुष्पा, बोल। क्या हुआ पुष्पा, तू रो क्यों रही है? वो माधुरी, वो संकेत का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, 50,000 की जरूरत है, तू दे पाएगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुझे अभी ऑनलाइन ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है? सॉरी, वो मैं जानती हूँ तेरी भी शादी है, तेरे भी खर्चे होंगे, मगर वो तो ना ऐसे टाइम पे सब बिल्कुल मत सोच, ठीक है ना? और संकेत का ख्याल रख, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ ओके, मैं तुझे बैंक डिटेल्स मैसेज कर। ओके भेज। ये बैग तो बहुत ही प्यारा है। अब भैया, ये बैग कितने का है? मैडम वो 55,000। 55,000? अब भैया इस बैग का कुछ कम कर दो ना प्लीज। फिक्स रेट। अब अच्छा ठीक है, ना आपका ना मेरा, 50 लगा दो। मैडम इसमें ज्यादा मार्जिन है ही नहीं। चलिए आपके लिए मैं 52 का लगा देता हूँ। सुनो ना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? जी। अरे ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? 2-3 तो होंगी, है ना? नहीं नहीं। आप नंबर है मोहन, मैसेज करना, चैट करेंगी। जी। बिल बना दो, 4,000 लगा लो। जरूर जरूर। थैंक यू। वेलकम। बेवकूफ कहीं का। संकेत, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली ना मुझे वो बैग मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। ये देखो, सिर्फ 50,000 रुपए में। देखना, मैं इसके साथ बहुत सारी सेल्फीज लूंगी। 50,000 रुपए का बैग? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे क्या मैं कमा नहीं सकती? क्या मतलब? डरो मत, कुछ गलत काम नहीं किया मैंने। और वैसे भी मेरी सहेली माधुरी का दिल ना तुम्हारे दिल से तो बहुत बड़ा है, पता है तुम्हें? उससे लिए मैंने 50,000 रुपए बैग खरीदने के लिए, और उससे ना मुझे एक बार भी मना भी नहीं किया। हाँ जी कौशिक साहब। नहीं नहीं, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। अगले महीने आपके पूरे पैसे दे दूं। जी 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 जी, पक्का पक्का पक्का। थैंक यू सो मच।
एक तो तुम्हारे ये लेनदारों की कॉल्स, ऐसे माधुरी से कह के तुम्हारे भी खर्चे पूरे करवा दूं क्या? क्योंकि तुमसे तो कुछ होगा नहीं। आपने आज का वायदा किया था कि मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देंगे। अरे इंसान की जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? मुझे तो अब आपके ईमान पे शक होने लगा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी तकलीफ हो रही होगी, आपको भी पेमेंट्स आगे देनी होती होंगी। देखिए आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, बस मुझे एक हफ्ते का मोहलत और दे दीजिए, मैं आपका सारा पेमेंट कर दूंगा। मैं खुद आपके घर लेकर आऊंगा सारी पेमेंट। ठीक, लेकिन एक हफ्ता। हाँ जी संकेत, मैं विजिट बैंक से आया। किश्त भरने का इरादा है कि नहीं? हाँ क्यों नहीं भरेंगे, पर आप थोड़ा तमीज से बात करिए। किश्त तो भरने की औकात नहीं है, मुझे अकड़ दिखा रहे। सीधे सीधे मंडे सुबह तक किसी भी हालात में किश्त जमा कर देना, वरना हमें और भी तरीके आते हैं, समझ रहे हो ना? माधुरी, हेलो। हाय पुष्पा, कैसी तबीयत है अभी संकेत की? तबीयत तो पहले से बेटर है। अब तू बता, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? एकदम मस्त। अच्छा सुनना, तो शादी में आप आएगी क्या, या तू हॉस्पिटल में बिजी है? अरे बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आऊंगी, क्यों नहीं। और वैसे भी संकेत ने मुझे कहा है कि वो पहले से बेटर है, मैं उनकी टेंशन ना लूं। वाह दैट्स गुड। अच्छा पता है तुझे, कल शाम को ना मैंने एक क्रॉकरी सेट खरीदा है। अच्छा तो मैं ना तुझे फोटो भेजती हूँ। अच्छा हाँ भेज भेज, मैं देखती हूँ। यार ये कितनी प्यारी है, कितने की है? जो चांदी वाला है वो 3.5 लाख की है, और जो डिजाइनर वाला है वो 1.5 लाख की है। सबसे बड़ी बात ये पता है क्या, वो एक्सक्लूसिव पीस है, पूरे इंडिया में टोटल 5 ही पीस बचे थे। अब अच्छा सुनना, तू मुझे उस दुकान वाले का नंबर दे। तू भी खरीदेगी? हाँ शायद ले लूं। चल ठीक है, मैं तुझे नंबर मैसेज करती हूँ। ठीक, मुझे कैसे भी करके ना ये डिनर सेट लेना है, पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा मैं अब तुम पर और बहू पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। कैसी बातें कर रही हो माँ, क्या हमने तुम्हें कभी भी एहसास होने दिया कि तुम हम पर बोझ हो? नहीं बेटा, मगर मैं देख रही हूँ कि मेरे इलाज के लिए तुम्हारे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो क्या हो गया माँ? अच्छा बचपन में जब मैं बीमार पड़ जाता था तो क्या तुम मेरा इलाज नहीं करवाती थी? सुनो मेरे पास है ना कुछ गहने हैं, तुम्हारे पापा ने मेरे लिए उसे बनवाया था। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे इलाज के लिए तुम उसे भेज दो। माँ आप कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूं, तो मेरी बात को मत टालना। इसे बेचकर इसके जो पैसे आएंगे वो मेरे इलाज में भी काम आएंगे और तुम्हारा थोड़ा कर्जा भी उतर जाएगा। ठीक है माँ, मैं कल ही बैंक जाकर लॉकर से वो गहने ले आऊंगी।
नमस्ते रामलाल जी। अरे नमस्ते बहू, यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता जी। वो दरअसल कुछ गहने बेचने थे। देखे तो ये तो खानदानी गहने हैं कमला जी के, इन्हें बेचने की क्या जरूरत आ पड़ी? वो दरअसल संकेत का काम ठीक नहीं चल रहा है, बिजनेस में काफी नुकसान हुआ है और आजकल माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। रामलाल जी वो 5 लाख अगर मिल जाते तो। वो इतना तो मिलना मुश्किल है, किसी और दुकान में चले जाओ तो 3-3.5 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हमारा घर का रिश्ता है तो मैं 4 लाख रुपए तक की कोशिश कर सकता हूँ। अब वो दरअसल जरूरत ना 5 लाख की थी रामलाल जी। आप एक काम करिए, माँ जी के और भी गहने रखे हैं घर में, आप वो ले जाइए। ठीक है, मैं कल परसों आके बाकी के गहने ले जाऊंगा। हाँ, ये 2, 4 और ये 5। अरे बेटा तुम आ गए? हाँ, मैंने तुमसे बात की थी ना, तो आज बैंक जाकर मैं अपने गहने लेकर आई हूँ। ऐसे करो उसे तुम अपने पास रख लो अभी। चलो मैं ठीक ठीक हूँ। क्या हुआ माँ? बेटा मैंने तो गहने यहीं रखे थे, अब मिल नहीं रहे। क्या गहने नहीं मिल रहे? जी डीलर साहब। हाँ नहीं डीलर साहब, थोड़ा तो सब्र रखिए ना, मैं आ रहा हूँ आपके पास, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अरे अच्छा हुआ आप दोनों मुझे यहीं मिल गए। ये देखिए मेरी आज की शॉपिंग। देखिए ना मैं 2 डिनर सेट लाई हूँ, देखिए ना कितना सुंदर डिनर सेट है। दोनों डिनर सेट पूरे 5 लाख के हैं। आपको पता है माजी, ये जो 3.5 लाख का डिनर सेट है ना, ये डिनर सेट की ना पूरे इंडिया में सिर्फ 5 ही पीस है और 1 ही पीस बचा था। और अब आप दोनों को जान के खुशी होगी कि ये 1 पीस हमारे घर पे है। और पता है ये जो ये 1.5 लाख का सेट है ना, ये भी एकदम एक्सक्लूसिव है। अच्छा है ना? तुम ये 5 लाख के डिनर सेट लेकर आए, पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम आम खाओ ना, खुशियाँ क्यों गिन रहे हो? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो माँ जी के गहने बेचती है। गहने बेचती? मेरी कसम, कहा था ना मैंने आईना अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे कोई नहीं होगा। आज के दौर में जीवन बिना पैसों के चला पाना बहुत ही मुश्किल है, हमें पैसों की अहमियत समझने की सख्त जरूरत है। भले शादी से पहले आप खर्चीले हो, लेकिन शादी के बाद फजूल खर्च करना ये गलत है। आपको उसे कंट्रोल करना चाहिए, तभी सही मायने में आप अपने खर्चों का सही मैनेजमेंट कर पाएंगे। महंगाई के इस दौर में बिना सेविंग्स किए सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। जरूरत के खर्चों में और फजूल के खर्चों में बड़ा अंतर होता है। इस फासले को हम जितना कम करेंगे, हम अपनी घर गृहस्थी उतनी आसानी से चला पाएंगे। फजूल खर्च करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि ये भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, क्योंकि जो भी पैसे आप बचाएंगे वो आप ही के काम आएंगे। संकेत की भी यही सोच थी, लेकिन पुष्पा उसकी सोच तो बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वो आज के लिए जी रही थी।
कल की उसे कोई फिक्र नहीं थी। वो यही सोच रही थी कि आज कमाओ और आज उड़ा दो, और ये संकेत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। पुष्पा की ये लत उसे कहां तक ले जाएगी, आइए देखते हैं। ये सारी बेटियां उठा के गाड़ी में रखो, कोई भी माल यहाँ पे रहने नहीं चाहिए। जैसा मेरी बात तो सुनिए, और उसके बाद ये सारी टाइल उठा के गाड़ी में लोड कर देना। संकेत बेटा, डीलर साहब सारा माल लेकर जा रहे हैं, मैं उन्हें कब से रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मान ही नहीं रहे। अरे डीलर साहब, मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको मैं पेमेंट कर दूंगा आपकी, आप क्यों नहीं मान रहे मेरी बात। अरे तुम्हारे वायदे सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए, जाओ जाकर किसी और को चूना लगाना, मैं अपना माल आज ही वापस लेके जा रहा हूँ। चलो उठाओ, मुझे क्या देख रहे हो, सब गाड़ी में लोड करो। अरे अरे आप सुनिए तो सही मेरी बात। साहब हमें माफ कर दीजिए, इस महीने आपकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी, ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे पास माल ही नहीं है। सब कुछ चौपट हो गया। माँ जी, मैं माधुरी की मेहंदी के फंक्शन के लिए जा रही हूँ, वैसे आप घर का ना ख्याल रखना, आजकल ना चोरियां बहुत हो रही हैं। जिसके घर में ही चोर हो उसे बाहर के चोरों से क्या डरना। अरे तुमने तो इस घर में चोरी की है, मेरे गहने चुराए हैं, वो भी एक डिनर सेट के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बुलाने की? तुम्हें कहती थी ना कि मैं इस घर की बहू नहीं बेटी हूँ, तो यहाँ मौजूद हर सामान पे मेरा भी उतना ही अधिकार है। बेटी, अगर बेटी हो तो इस घर की मुसीबत को समझना सीखो। तुमने तो मेरे बेटे का जीवन नरक बना दिया, हर वक्त खर्चा खर्चा खर्चा। अरे किसे दिखाना चाहती हो तुम? किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए। इतनी खुदखर्च हो तुम। अपनी खुशी के लिए तूने मेरे गहने बेच दिए, अपने पति का बिजनेस चौपट कर दिया, अब क्या हमें भी बेचना चाहती हूँ? हाँ बेच दूंगी, तुम दोनों को भी बेच दूंगी अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन तुम दोनों जैसे भिखारियों को तो कोई कबाड़ी वाला भी नहीं खरीदेगा। मुझे माफ कर देना माँ, पिताजी ने जो दुकान इतने अरमानों से बनाई थी वो कर्जा चुकाने के लिए मुझे बेचनी पड़ रही। गाड़ी बेचकर तो दुकान का सामान लाए थे, सब कुछ बिक गया, कर्जदार सर पर हैं और बैंक वाले भी। क्या मैं गलत वक्त पे आ गया? रामलाल जी आप यहाँ? बहू कल दुकान पर आई थी, कुछ गहने बेचे थे, उसने 4 लाख दिए, 1 लाख एक्स्ट्रा लेकर के आई थी, कह रही थी कुछ और गहने घर पे हैं, आकर के लेके जाना, वही गहने लेने आया हूँ। कुछ बताया नहीं उसने? अच्छा तो पुष्पा ने माँ के गहने आपको बेचे हैं? जी हाँ। बस वहीं रुक जाओ, अब तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हारी ये बकवास सुनने के मूड में नहीं, इसे भी माधुरी के घर में मेरी बहुत इंसल्ट हुई है आज, ठीक मेरी तरह किसी और ने भी ऐसी साड़ी पहनी थी। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए, मैं शादी की शॉपिंग पूरी दोबारा से करूंगी। तुम सुन रही हो तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितनी बीमार हो? बीमार? हाँ बीमार, मानसिक रूप से बीमार हो तुम। अरे अपने पिताजी के यहाँ जाकर अपना इलाज कराओ, निकल यहाँ से। इलाज करवाऊँ? रुको, अगर तुमने मुझे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं अपनी नस काट लूंगी। नस काट लूंगी? काटो। मैं इसे अपनी नस काटने देना नहीं, तुम कुछ नहीं बोलोगी, काटो। आज तुम्हारी इस बीमारी का इलाज मैं कर ही देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा वो महंगा वाला डिनर सेट? ये तुम्हारा 3.5 लाख रुपए का डिनर सेट। पांच लाख रुपए का डिनर सेट, और वो तुम्हारी महंगी महंगी साड़ियां कहाँ है? अंदर है ना?
संकेत 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 उठो बेटा, संकेत 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 कैसे हुई? सारी साड़ियाँ चलाती डाइनिंग सेट तोड़ दिया। मेरे कहने में माधुरी माधुरी की शादी में क्या पहन के जाऊंगी? स्टेशन पैसों का मसला पति पत्नी के बीच दीवार बन सकता है। एक दूसरे को दोष देने के बजाय बेहतर यही होगा कि पति पत्नी एक साथ होकर फजूल खर्चों को समझे और उसे बाहर निकलने का कोई सही रास्ता ढूंढे। पैसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती और ना ही गृहस्थी एक इंसान से चलती है। पैसों को और खर्चों को लेकर पति पत्नी में सहमत हो यह भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अक्सर इन्हीं बातों को लेकर पति और पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और रिश्ते टूटने के कगार तक पहुंच जाती है। या फिर जैसा हाल आज संकेत का हुआ है वैसा भी हो सकता है, लेकिन इसमें गलती सिर्फ पुष्पा की नहीं थी बल्कि संकेत की भी थी। इस समस्या को बड़ी समझदारी से निपटने की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहला कदम क्या हो? पहला कदम यह हो कि हम इस व्यवस्था को अच्छी तरह से समझें। यह लापरवाही या वित्तीय अनुशासन की कमी की वजह से हो सकता है, गंभीर वजह भी हो सकती है। इसीलिए एक दूसरे पर तोहमत लगाने से बचे, क्योंकि ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अलबत्ता समस्या और बढ़ती चली जाएंगी, ये रिश्तों में कड़वाहट खोलेगा। पति पत्नी को एक दूसरे की आदतों को समझने की सख्त जरूरत है और आदतें रातों रात नहीं बदलती, समय लगता है। खर्च पर अंकुश लगाने की योजना भी ऐसी हो कि दोनों उसके दायरे में आए, मतलब किसी एक पर असर ना पड़े। फजूल खर्चों पर ब्रेक लगाने का सबसे सटीक तरीका यह है कि आप बजट बनाएं, वित्तीय लक्ष्य तय करें और उस पर अमल करें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।